हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ विकेश। तो दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब कि बेनिफिट वाला अपडेट आया हुआ है, और ये जो अपडेट है सभी लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ है कमेंट को लेकर भी आया है और आपके वीडियो परफॉर्मेंस को भी लेके जो है आया हुआ है। तो क्या है वो अपडेट, जानने के लिए देखते रहे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले अपडेट की ओर। तो दोस्तों, अभी जो है आपकी जो वीडियो परफॉर्मेंस है उसे जो है इम्प्रूव किया गया है। तो दोस्तों, आपको पता होगा आप जो है यहाँ पर पहले ऐसे चेक करते थे, जहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक थ्रू रेट, व्यूज़, और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें जो है लिखा गया है, और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस, यानी कि जो रिसेंटली वीडियोज़ आपने डाला था उसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है रिपोर्ट्स यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर उसे चेंज करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, जहाँ पर कि लिखा हुआ है लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, कौन सा वीडियो सबसे कम आ रहा है, और यहाँ पर टाइपिकल परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा, ताकि आपकी जो व्यूज़ है वो बढ़ रहा है या कम रहा है, ये सब पता चलने वाला है। आपके कौन से वीडियोज़ पर व्यूज़, अभी जो रिसेंटली आपने जो वीडियोज़ डाला है उस वीडियो पे व्यूज़ बढ़ रहा है या फिर नहीं, यहाँ पर पता चलने वाला है। तो दोस्तों, ये था पहला अपडेट। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की ओर। तो दोस्तों, दूसरा जो अपडेट है वो दोस्तों यूट्यूब की कमेंट को लेके आया हुआ है। अब ये क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि आप जो है डेस्कटॉप मोड पर, आपको पता होगा क्रोम ब्राउज़र जब आप ओपन करते हैं और यहाँ पर वाइट स्टूडियो ओपन करते हैं, तो यहाँ पर कमेंट फिल्टर नाम से आता था, और उस पर जो है आप जो भी कमेंट आते थे, जैसे कि रेस्पॉन्स वाले कमेंट आता था, यानी कि अपने हेल्प फॉर रिव्यू, ऐसा कुछ जो है यहाँ पर पहले सेटिंग्स था। लेकिन अभी जो है यहाँ पर आपको वाइटी स्टूडियो जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर बहुत सारे जो है अभी जो है फिल्टर भी ऐड किए गए हैं। क्या क्या फिल्टर है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला फिल्टर यहाँ पर डाला गया है कि आप जो है कौन से क्वेश्चन को यहाँ पर मतलब कि रेस्पॉन्स किए हो या फिर रेस्पॉन्स नहीं किए हो, उन सब के बारे में पता चलेगा। अगर आप यहाँ पर आई हैव नॉट रेस्पॉन्स पर क्लिक करते हो और कोई भी कमेंट को यहाँ पर अप्लाई करते हो, तो जो भी कमेंट आपने रेस्पॉन्स नहीं किया है, रिएक्ट नहीं किया है, वो सारा कमेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर दूसरे चीज़ है सर्च फॉर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी कीवर्ड डालोगे उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, यानी कि कोई भी कमेंट्स है, तो वो जो चीज़ है वो निकल आएगा। और यहाँ पर तीसरे जो चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेनिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं कि हमें जो है कोई भी क्वेश्चन चाहिए होता है, जैसे कि संडे कमेंट बॉक्स के लिए हो गया या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो गया, अगर क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पर कंटेनिंग क्वेश्चन पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है, आपका जितना भी क्वेश्चन है कमेंट पर वो सारा कमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आप, और उसके नीचे आप देख सकते हैं पब्लिकली सब्सक्राइबर लिखा हुआ है। जो लोग भी कमेंट किए हैं, क्या वो आपके सब्सक्राइबर हैं या फिर आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब यहाँ पर पता चलेगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी व्यूअर आपको जो है झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कई लोग ऐसा बोलते थे कि हमने जो है आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, प्लीज़ आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा बोलते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा जो है सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिल्टर की ओर। तो दोस्तों, ये जो फिल्टर है ये चैनल मेम्बरशिप को लेके आया हुआ है। मान लेते हैं कोई भी कमेंट करता है और आपको पता करना है वो जो कमेंटर है वो हमारा चैनल का मेंबर है या फिर नहीं, वो पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चैनल मेंबर और चैनल नॉट मेंबर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो कौन सा कमेंट जो है आपका चैनल मेंबर से है और कौन सा नहीं है वो पता चलेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो फिल्टर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मज़ेदार फिल्टर है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपके जो भी कमेंट करते हैं, आपके चैनल पर जो भी कमेंट करते हैं, उस कमेंटर का कितना सब्सक्राइबर है वो पता चलेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि 100 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर, 10K सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर, ऐसा दिया गया है। मान लेते हैं आप अगर 100 सब्सक्राइबर पर क्लिक करोगे और अप्लाई कर दोगे, तो जो उनका भी चैनल 100 सब्सक्राइबर है उन लोगों का कमेंट यहाँ पर आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कमेंट है। इससे आप ये पता कर सकते हो कि अगर आपके पास 10 मिलियन वाला कोई सब्सक्राइबर सब्सक्राइब किया हुआ है और कमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वो कितना बड़ा चैनल जो है आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, ये पता चलेगा आपको। तो दोस्तों, ये था कुछ YouTube की तरफ से नया अपडेट। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ऐसा ही YouTube रिलेटेड वीडियोज़ देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।